हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए लेट्स क्रैक इट चैनल को और दबाइए उस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक इट चैनल में। आज की वीडियो कुछ इस प्रकार है। आज हम लोग कंप्यूटर का विकास और उसकी जनरेशन देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कंप्यूटर का विकास किस क्रम में हुआ था। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और थ्योरी मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा और वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के विकास की। तो सबसे पहले कंप्यूटर का विकास गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस के रूप में किया गया। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था आपका, वो गणना करने वाली डिवाइस के रूप में बनाया गया था। अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न निकल सकता है। बाद में पास्कल, लॉरेंस, जैकब आदि ने कई डिवाइसेस बनाई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी नहीं थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने मेमोरी डाली। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई और आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसी के कारण चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहीं से इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का युग शुरू हो गया और यूनिवैक फर्स्ट प्रथम कॉमर्शियल कंप्यूटर है। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न निकलते हैं इस टॉपिक से वो ये है। सबसे पहले तो पहला कंप्यूटर अबेकस को कहा गया। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपसे पूछ लेता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो वो आपका हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन। देखिए, कंप्यूटर के जनरेशन को समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के रूप में निम्न प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है टाइम पीरियड। फर्स्ट जनरेशन का टाइम था 1945 to 1954। इस बीच में जिन कंप्यूटर्स का उपयोग हुआ वो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? इस कंप्यूटर में प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार के जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणनाएँ संभव कर दी। जैसा कि बताया मैंने अभी आपको, कंप्यूटर का सबसे पहले प्रयोग सिर्फ गणनाओं करने के लिए किया जाता था, इसलिए जिसने कंप्यूटर को गणनाएं करना संभव कर दिया। शुरू में जो कंप्यूटर आए थे वो सिर्फ और सिर्फ गणना के लिए उपयोग में लाए जाते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषता, इसमें वैक्यूम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था और इसका टाइम पीरियड 1945 से 1954। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन। देखिए, सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1955 to 1964, इस बीच में कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन का प्रयोग किया गया था। थ्योरी देखते हैं। इस कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा तेज और छोटा कर दिया। फर्स्ट जनरेशन की हम लोग बात करते थे तो उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग था और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। याद रखने योग्य बातें सिर्फ यही है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी सेकेंड में, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, टाइम पीरियड फर्स्ट जनरेशन का 1945 to 1954, सेकेंड जनरेशन 1955 to 1964। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। यहाँ से हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। इसका टाइम पीरियड 1965 to 1974। टाइम पीरियड नोट करते रहिएगा साथ साथ कॉपी में, यहाँ से एक आध प्रश्न निकल सकते हैं परीक्षा में।
थ्योरी की बात करें, इस कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट IC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। देखिए, हर जनरेशन की एक विशेषता उसमें बताई जा रही है, तो ये चीज़ आप लोग विशेष कर लिखते रहिए कॉपी में, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न अवश्य निकल सकते हैं, जिससे ये तुलनात्मक और भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन में किया जाने लगा। इनकी जो प्रोग्रामिंग थी वो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक आदि में की गई थी। तो इसमें जो याद रखने योग्य बातें हैं, सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड सर्किट IC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, और उसके बाद इसका टाइम पीरियड 1965 से 1974। बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन का जो समय है वो है 1975 से अभी तक, टिल डेट। कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जो कि आजकल के कंप्यूटर में मेन विशेषता होती है, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इसका उपयोग किया गया था, जो फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड तीनों ही जनरेशन से काफ़ी तेज, भरोसेमंद और साइज में भी छोटा था, जिससे आप इसे आसानी से कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इनकी जो प्रोग्रामिंग थी वो हाई लेवल लैंग्वेज भाषाओं में की गई और IBM PC आदि में की गई थी। बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ और लास्ट जनरेशन हमारी है, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में है। अभी भी वर्तमान में इसका प्रयोग हो रहा है और भविष्य में भी होने वाला है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था, जो इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध करता है, जिससे ये अपना खुद के IQ का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटर अभी भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं और फ्यूचर में भी लाए जाएंगे। इनकी जो प्रोग्रामिंग थी वो C++, जावा, पाइथन आदि भाषाओं में की गई थी। याद रखने योग्य बात, इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था इस टेक्नोलॉजी में, जो कि इसे बेस्ट बनाता है, जिसमें ये अपना खुद का IQ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो कंप्यूटर की पांचों जनरेशन की बात हो गई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, शेयर करनी है वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दीजिए, जो भी आपका फ्रेंड CCC की तैयारी कर रहा हो उसके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी CCC की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर के अच्छे नोट्स बनाना चाहते हैं। यहाँ पर उनको प्रॉपर नोट्स कंप्यूटर के मिल जाएंगे और CCC की तैयारी आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर से लिखा आ रहा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।